जी जमाल रूलिंग दें, इनको जेल में डालें, फिर भी बेअसर होगी ये बात। अमली तौर पर कुछ नहीं कर पा रहे ये महकमे। आप समझे आपकी रूलिंग के बाद क्या होगा? उमर अयूब आया है कभी पिछले 2 सालों से? आया, विजिट किया हमें इधर आके? कब आया था? आए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारों की तहकीकात होनी चाहिए, स्पेशल कमेटी बनाए, असेंबली को वजन दे, असेंबली के सामने पेश हो, और जो वो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो आपकी हियरिंग्स, अगर ये करेंगे फिर ये लोग चीजें होते हैं। कुछ दो आने इनका ईमान पुख्ता होता है, 14 आने फिर भी नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आए दें, जवाब दें। बलूचिस्तान तो ऐसे लगता है कि वो सूबा है जो बिल्कुल लावारिस। तो स्पीकर साहब, इन चीज़ों पर ज़रा सीरियस नहीं के मसाइल सारे बलूचिस्तान में हैं, कोई तरह रुक नहीं है। तरह छुड़ाएं जान, अगर नहीं चल रहा मामला, एक ही है, सारी हुकूमतें जाती हैं, सारी जाती हैं, कोई नहीं है फर्क पड़ता। एक तो ये है, दूसरा भाइयों को बताते जाऊँ कि फेडरल सब्जेक्ट है वापडा, उनके जेरे कमान है, हमारा इंटर प्रोविंशियल मैटर है सिंध के साथ, पानी देने के लिए तैयार नहीं हमें सिंध। हमारे इलाकों में फसल जो बुआई की थी वो खुश्क हो गई, शुक्र है इस वक्त इतलाई कि कोई बारिश हो रही, रब मेहरबान हो रहा है, हमारे हमसाए मेहरबान। ये सारे मसाइल हैं, कुछ फैसले करें, 2 साल हो गए हैं, क्या आउटपुट है, क्या कारकर्दगी है, बताएं किया क्या है, ये हमें बता दें। सारे तो पाकिस्तान लेवल की बातें, बहुत अच्छा किया कश्मीर डे मनाया, इखलाकी तौर पर आप सही हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या होगा? मेरा ख्याल है आपका पोता होगा उस जमाने में कश्मीर कुछ आज़ाद हुआ तो फिर देखेंगे। बहुत शुक्रिया।